ओम श्री साईराम, सब भक्तों को मेरा प्रणाम। बाबा की कृपा से आज हम चैप्टर नंबर 6 साई सच्चरित्र का जो चैप्टर नंबर 6 है उसके अंदर प्रवेश करेंगे। उसके अंदर एंट्री करने से पहले मैं आप सब भक्तों की जो बाबा के प्रति इतना प्रेम है, भावना है, उसको एक बार बड़े प्यार से नमन करना चाहती हूँ। भक्तों, आपके अंदर इतना प्रेम है बाबा के लिए और कथा सुनने का जो इतना उत्साह है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट कि आप सभी लोग इतने प्रेम से कथा को सुनते हैं, वो केवल और केवल बाबा की कृपा के कारण, वरना इट इज नॉट पॉसिबल टू बी हैविंग सो मच ऑफ पेशेंस फॉर 1 आवर कंटिन्यूसली लिसनिंग टू द कथा। तो आपका प्रेम भक्ति भाव जो बाबा के प्रति है, उसको बार 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 मैं प्रणाम करती हूँ और आपके हृदय के अंदर उपस्थित परमात्मा सतगुरु साईनाथ को एक बार प्रणाम करती हूँ। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई ब्रह्मा साई विष्णु साई महेश्वरा, साई ब्रह्मा साई विष्णु साई महेश्वरा, साई ब्रह्मा साई विष्णु साई महेश्वरा, साई चरणम शरणम ममा, साई चरणम शरणम ममा, साई चरणम शरणम ममा, साई चरणम शरणम ममा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। चलिए, बाबा की असीम कृपा से हम सुंदर नगरी साईं बाबा की जो पतित पावनी अति भाग्यशाली शिरडी है उसके अंदर प्रवेश करेंगे और अपने मन को एक ऐसा मन के अंदर ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट करेंगे कि जो बाबा की द्वारका माई जैसा पवित्र हो जाए। देखिए, सारा दिन हम अपनी ड्यूटीज निभाते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो नाउ व्हेन यू आर सिटिंग फॉर सत्संग यू नीड टू ट्यून योरसेल्फ टू द एटमॉस्फेयर ऑफ पॉइस द्वारका माई एंड वेयर बाबा इज साक्षात सिटिंग। तो शिरडी का एक राउंड एक ट्रिप लगा लेते हैं मन ही मन, अपने मन की आंखों से। देखिए, हमने ये सब करना है। यू कैन क्लोज योर आईज एंड गो देयर टू द प्लेसेस व्हिच आई एम गोइंग टू टेल नाउ एंड यू कैन डू परिक्रमा ऑफ दैट प्लेस आल्सो इफ पॉसिबल। बोलो श्री खंडोबा भगवान की जय। बोलो श्री गुरु स्थान की जय। बोलो श्री द्वारका माई की जय। बोलो श्री चावड़ी माई की जय। बोलो श्री समाधि मंदिर की जय। बोलो श्री मंगल मूर्ति की जय। बोलो श्री लेंडी बाग की जय। गुरु स्थान की जय। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओके, तो अभी हमने अपने आप को ऐसे तैयार कर लिया है कि जो भी कथा श्रवण करे, जो अमृत रस की वर्षा यहाँ से होने वाली है, वो हमारे अंदर, हमारे भीतर जाके हमारे हृदय में वो प्रवेश करेगी। बिकॉज हमारा माइंड सेट अभी शिरडी जैसा बनने का प्रयास जो हमने किया, तो शिरडी जैसा बन गया होगा, तैयार हो गया होगा। और अब हम जो भी बाबा की तरफ से, बाबा का ऑलवेज प्रे कि बाबा अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर के ऊपर रखिए, और सरस्वती माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे कंठ में ऐसे विराजमान हो ताकि जो भी मैं कहना चाहूँ आप सब भक्तों को, वो सही ढंग से आपके अंदर पहुंचे और आपकी भक्ति दुगुनी तिकनी होती जाए। Your devotion should be multiplied into many times by listening to this satsang. तो यही प्रार्थना के साथ हम आरंभ करेंगे। तो ये 40 मिनट्स के लिए आपको टोटली श्रद्धा के साथ अपने आप को अति भाग्यशाली समझें, अपने आप को समझें कि बाबा ने हमें बुलाया है अपनी द्वारका माई में और हमें ये सुंदर दृश्य जो अमृत जैसी कथाएं हैं आज की, उसको देखने के लिए। ओके, तो अमृत वाक्य वर्षाए, द मंत्र विच ऑलवेज सी बिफोर बिगिनिंग द कथा इज अमृत वाक्य वर्षाए, समस्त लोका पूजिताए, सर्व दोषा निवाराए, सतगुरु साईनाथ की लीला है। बहुत ही प्यारी लीला है आज की कथा जो है। तो बाबा के आंगन से चली आ रही है, कहीं से भी ये कोई मार्केट से खरीदी हुई कथा नहीं है, ये बाबा के पवित्र आंगन से, बाबा की द्वारका माई जो है उसके पवित्र आंगन से चलकर हमारे घर आंगन तक आ ही गई है भक्तों, तो क्यों ना इसका आनंद लिया जाए। तो इसका आनंद इसी तभी ले सकेंगे जब अपना दृढ़ विश्वास हो और हाथ में श्रद्धा और सबरी हो। श्रद्धा और सबरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर श्रद्धा नहीं तो ये कथा सुन नहीं सकता कोई, अगर सबरी भी नहीं है तो भी उठ के चला जाएगा व्यक्ति। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाबा के महामंत्र है। श्रद्धा और सबरी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और आज की कथा जो है बाबा की द्वारका माई तो अयोध्या जैसे बन गई है,
दशरथ राजा दशरथ और कौशल्या माता का जो कक्ष था उसके अंदर विष्णु भगवान का जो सेवेंथ अवतार रामचंद्र जी का अवतार जो हुआ था अयोध्या में, वो द्वारका माई का सीन वो आज हम देखेंगे। द्वारका माई हैज बिकम अयोध्या, भगवान रामचंद्र जी का जन्म जो है, जन्मदिन मनाने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी भक्तों की शिरडी की पावन मिट्टी की खुशबू आज यहाँ से आनी चाहिए, अपने भीतर ही उसको महसूस करें, क्योंकि आज का बहुत ही प्यारा प्रसंग है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए सेलिब्रेशन। अगर घर में भी, मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगी कि अगर घर में आपके कुछ ना कोई अच्छा शुभ कोई ना कोई फेस्टिवल जैसे कुछ मनाना चाह रहे हैं, जैसे बच्चे का बर्थडे है या शादी ब्याह शुरू होने वाला है, नहीं तो हाउस वार्मिंग सेरेमनी है, कोई भी एंगेजमेंट है, कोई भी अच्छा कार्य, जब शुभ कर्म कोई भी शुरू करें तो ये चैप्टर एक बार जरूर पढ़ लें। अगर सभी बैठ के नहीं पढ़ सकते तो द मेन लेडी ऑफ द हाउस कैन सिट सेपरेटली इन अ पूजा रूम एंड रीड दिस, क्योंकि इसका जो प्रभाव है, इसकी जो पॉजिटिविटी है वो पूरे घर में फैल जाएगी। आपको लगेगा कि पूरी खुशबू जिस प्रकार द्वारका माई में, आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि मिठाइयों की खुशबू आ रही है, ऐसी आपके घर में भी वैसा माहौल अपने आप बन जाएगा। द्वारका माई में देखेंगे कि राधा कृष्ण माई ने अपने घर में मिठाइयाँ बनाई और प्रसाद बनाया, और आज की कथा में ये भी है कि झूला है जहाँ पे रामचंद्र जी को उसमें झूलते हैं ना, बहुत पालना है, मतलब कि लकड़ी का पालना जिसमें फूलों के फ्रेश फ्लावर्स से डेकोरेटेड है, द होल द्वारका माई इज डेकोरेटेड एंड वी सी सो मेनी अदर थिंग्स लाइक द प्रोसेशन है, कीर्तन चल रहा है, तो ऑल द ऑस्पिशियस थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस चैप्टर नंबर 6। इट्स अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस चैप्टर, सो वी हैव टू लिसन इट लाइक योर ऑलमोस्ट लाइक सेलिब्रेटिंग भक्ति। Okay, you're celebrating Ramchandra ji ka janmadin and you're celebrating total Sai devotion. In your mind, you should think that we are come for one like birthday party ke jaate hain, tum kaise jaate ho, to bahut choti baat maine kahi thi, lekin Ramchandra ji ka birthday manane ke liye bahut hi shraddha aur bhavna aur charno mein parmatma ke charno mein pragat priti honi chahiye। Ramchandra ji ka janmadin baba ne kaise unko itna priya tha, क्योंकि हमारे गुरु के प्रिय रामचंद्र जी। देखिए कई भक्तों ने जो शिरडी आए, आपको पता ही है, साइंस चरित्र सभी पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 12 में हम देखते हैं एक डॉक्टर जो बाबा को नमन नहीं करना चाहते थे, ही थॉट दैट ही इज अ मुस्लिम, आई विल नॉट बेंड बोर्ड ऑन माय हेड टू ए मुस्लिम, तो उनको बाबा ने रामचंद्र जी उनके जो इष्ट देवता थे उनको दर्शन दिए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, आपको पता ही 11 सेइंग्स में है। तो जो व्यक्ति जिस भावना से आता था बाबा के दरबार में, वैसे ही बाबा प्रकट हुआ करते थे। तो रामचंद्र जी में और साई बाबा में कोई अंतर नहीं है। इवन इन चैप्टर नंबर 29 ऑल्सो वी सी दैट, एक भजन मंडली जो मद्रास से आई थी, एक्चुअली काशी जाने वाली थी, लेकिन शिरडी आ गई थी, तो वहाँ की जो एक लेडी थी उसकी श्रद्धालु थी, उनके भी इष्ट देव रामचंद्र जी थे, तो बाबा के दर्शन करते करते उसको लगा कि ये तो मैं अपने रामचंद्र जी के दरबार में बैठी हुई हूँ, यहाँ पे कोई फकीर साईं बाबा नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे रामचंद्र जी साक्षात परमात्मा यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको दर्शन हुए और वो तालियां बजाती गई एकदम अनन्य भाव से, कोई कुछ बॉडी कॉन्शियस नहीं थी वो, उनको टोटली परमात्मा के दर्शन हो गए, उनका मिलन हो गया अपने परमात्मा के साथ हमारे सतगुरु साईनाथ की द्वारका माई में। तो द्वारका माई इतनी पूज्य स्थान है, इतने अदब का मुकाम है, यहाँ कांप उठते हैं फिलॉसफी, ये कोई साधारण स्थान नहीं है जिनके बारे हम बातें कर रहे हैं, ये बहुत अदब का मुकाम है, बड़े आदर सम्मान से इनको हमें ग्रहण करना है। इट इज नॉट ए सिंपल थिंग एंड गेटिंग ए सत्संग ऑल्सो इज नॉट दैट ईजी। जब हम सत्संग में प्रसन्नता के साथ शांति के साथ सुनते हैं तो सोचे कि डायरेक्ट कृपा हमारे गुरु की हमारे ऊपर हो रही है, तो जो आज सभी के ऊपर हो रही है। तो आज की गोपाल काला है, अन्नदानम है, और बाबा ने कुएं में जल डाल, जो सूख गया था कुआं उसमें फूल डाल के जल को किया, सो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस एंड वेरी प्रॉस्परस चैप्टर है आज का। तो आज मैं कहना चाहूंगी भक्तों की आज की हवा के झोंके में बाबा की शिरडी की मिट्टी की खुशबू आ रही है। साईं, हम रोज तो शिरडी नहीं आ सकते, लेकिन आपने ये ग्रंथ रूपी शिरडी जो हमारे आंगन तक पहुंचा दी है, बाबा ने शिरडी ही हमारे घर आंगन तक पहुंचा दी है, क्योंकि हम शिरडी नहीं जा पा रहे, तो शिरडी जिसे मोबाइल शिरडी ये साक्षात इसको खोल के पढ़े इसका आनंद वैसा ही होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू टेक इट। अगर इसको हम श्रद्धा से ऐसे पढ़ेंगे कि हम परमात्मा, हेमापट जी भी यही लिखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, कहते हैं कि जब मैं रामायण पढ़ता हूँ तो लगता है बाबा रामचंद्र जी बन गए, जब मैं गीता पढ़ता हूँ तो लगता है कि बाबा कृष्ण भगवान बन गए, ऐसे ही जब हम इसको अपने घर में बैठ के पढ़ेंगे तो लगेगा कि हम द्वारका माई में ही भी तो बैठे हैं।
और कहाँ, देखिए ये 40 मिनट्स टोटली हम द्वारका में बैठने वाले हैं और कहीं नहीं। और बाबा को ये प्रार्थना करे भक्तों कि अगर इसको समझे ये मानसरोवर है तो हमें 3 लोटे जल के हमें अपने ऊपर उसका स्नान करना है ताकि हमारे सभी पाप धुल जाए। 3 बिकॉज 3 लीलास विच आर देयर इन दिस चैप्टर नंबर 6। तो यही है कि एक लोटा जो द पावर ऑफ गुरुज हैंड, जो पहला बिफोर डिस्क्राइबिंग द रामनवमी फेस्टिवल का जो लीला है उसे पहले हेमापन जी हमें जो ब्यूटिफुल ज्ञान देते हैं बिफोर द स्टोरी स्टार्ट, प्रिलिमिनरी पैराग्राफ में जो स्तुति गाते हैं बाबा की, तो वो एक जल का लोटा हम अपने ऊपर डालेंगे, स्नान करेंगे ताकि हमारे पाप एकदम धुल जाए एंड वी गेट रेडी टू सी द रामनवमी फेस्टिवल। और फिर उसके बाद सेकेंड लोटा रामनवमी फेस्टिवल का ही है, राम राम राजा राम सीताराम करके हम करेंगे। और थर्ड वन द रिपेयरिंग ऑफ द मस्जिद, वो बहुत मीनिंगफुल कथा है। इट इज नॉट ओनली रिपेयरिंग ऑफ द मस्जिद, वो तो हमारी तकदीरें बाबा ने जो सिल दी थी उसके बारे में बहुत प्यारी जो आज की कथा। आप ध्यान से बस सुनते रहे, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो प्लीज स्टे देयर, डोंट गो एनीवेयर, प्लीज स्टे देयर एंड वी विल कनेक्ट इट लेटर एंड कंटिन्यू। ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सदगुरु सैनाथ महाराज की जय। Okay, the fifth chapter on Wednesday, we had seen 2 processions in the fifth chapter. That is Baba coming from Dhoop Gaon to Shirdi in the procession. Beautiful rath mein baith ke, bail gaadi nahi thi, wo rath sone ka rath tha. Baba procession mein band baje ke saath Shirdi aaye the. और फिर एक और प्रोसेशन चैप्टर नंबर 5 में हमने ये देखा था कि जीके दीक्षित जी ने अपने सर के ऊपर वो जो चरण पादुका बाबा की सर के ऊपर रखे खंडोबा भगवान जी के मंदिर से द्वारका माई तक लेके गए थे। और बाबा ने कहा था कि ये श्री हरि चरण, हरि के चरण है, नीम वृक्ष के नीचे स्थापित कर दो। सो द 2 processions वी हैड सीन इन द चैप्टर नंबर 5 एंड इन चैप्टर नंबर 6 ऑल्सो वी शैल सी 2 processions। वन प्रोसेशन इज अ फ्लैग, जो ध्वजों का फ्लैग लेकर के प्रोसेशन में जाते हैं उर्स मेले में, और अदर वन इज द सैंडल पेस्ट, सैंडल वो सैंडल पाउडर का जो अगरबत्ती वगैरह और सैंडल पेस्ट को घिसा कर प्रोसेशन, मुस्लिम्स एक साइड हिंदू एक साइड मुस्लिम्स जाते हैं। तो ये 2 procession हम आज की कथा में देखेंगे। इट इज वेरी वंडरफुल। मैं ये कहना चाहूंगी इस चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर में तो साईं बाबा जी का जन्म था, प्रकट हुए थे प्रकृति की गोद में। अभी द नेक्स्ट चैप्टर इटसेल्फ रामचंद्र जी का जन्म है। ये कितनी प्यारी बात है। देखो 5वें चैप्टर में बाबा प्रकट हुए, 6वें चैप्टर में साईं बाबा रामचंद्र जी प्रकट हुए, तभी तो लोग साई राम कहते हैं। इतना पावरफुल नाम जो है साई राम। 5वें चैप्टर के साई, 6वें चैप्टर के राम, साई राम। तो 5 and 6 becomes 11. 11 is a very auspicious number, isn't it? अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता पहले जमाने में, बहुत पहले जमाने में, तो 11 रुपए शगुन डालते हैं। जो शगुन 11 रुपए means 11 number 11 is शगुन का होता है। That means keeps on going, not 10 means stop. 11 means keeps on going, movement का sign है। तो 11, तो मैं कहना चाहूंगी अगर 11 times हम राजा राम सीता राम तो साई राम हमें कहना होगा मन ही मन। अभी तो टाइम नहीं, shall we do that 11 times? Okay, we can do, I would love to do this. Sai Ram, 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 Sai Ram. Okay, तो 11 times हमने साई बाबा का एक शगुन जैसे डाल दिया, क्योंकि साई और राम दोनों इकट्ठा होकर हमारे मंत्र हैं भक्तों। Everyone's mantra is what? Sai Ram, Om Sai Ram, Sai Ram. So it's a very powerful word, very very most powerful word on the whole planet. देखिए राम का नाम लेकर तो सभी तर जाते हैं कि सब, आपको पता ही है कि जो जब लंका में गए थे तो जब हनुमान जी की जो सेना थी उन्होंने पत्थरों के ऊपर राम का नाम जब लिखा तो समुद्र के पानी में पत्थर भी तैरने लग गए। राम शब्द में इतनी पावर है। साईं गुरु हैं तो गुरु और परमात्मा दोनों को ऐड करके साईं राम जब कहते हैं तो बहुत ही अनंत अनंत हमें उनकी कृपा के पात्र हम बन जाते हैं। ओके, तो चैत्र मास की जो रामनवमी है उसकी हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है भक्तों। चैत्र मास की नवमी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है अगर रामचंद्र जी का जन्मदिन हमें मनाना है। हमें तो अपने मन की स्थिति, कोई तिथि की जरूरत नहीं, मन की स्थिति अगर प्रसन्न है तो एनी टाइम यू कैन सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ योर गुरु योर भगवान। ओके, तो मन की स्थिति प्रसन्न है तो आज हम रामचंद्र जी का बर्थडे प्रसन्नता के साथ आज हम इस कथा में मनाएंगे। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय।
तो बिफोर एंटरिंग इन टू दिस अपना मन तो हमने निर्मल कर ही लिया था, जस्ट बिकॉज आई रिटर्न आई लाइक टू से जस्ट वन टू सेकेंड्स में बोल देती हूँ कि पहले चैप्टर में बाबा को चलती हुई चक्की जो थी उसको प्रणाम करेंगे, फिर दूसरे चैप्टर में हेमापंड जी को प्रणाम करेंगे, तीसरे चैप्टर में हम गंगा मैया को हम प्रणाम करेंगे, चौथे चैप्टर के विठ्ठल भगवान को प्रणाम करेंगे और पांचवें चैप्टर में सतगुरु साईनाथ को प्रणाम करेंगे, अब छठवें चैप्टर में हम रामचंद्र जी को प्रणाम करके ये चैप्टर आरंभ करेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओके, तो एक छोटी सी प्रेयर और आपको देखिए पेशेंस के साथ, ये प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुननी पड़ेगी आपको। ओके, जस्ट आई वुड लाइक टू से कि जिस प्रकार हमारे कहते हैं ना कि हमारे हृदय के ऊपर बहुत पाप, एवरीवन ऑल ऑफ अस आर सेलिंग द सेम बोट, पापों की लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिंस आर देयर फॉर मेनी मेनी बर्थ्स, तो हम यही प्रार्थना करेंगे बाबा कि आप हमारे पापों को पोंछ डालें, हमारे पापों को जस्ट उसको ऐसे पोंछ डालें कि हमारा मन निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए, ताकि हम द्वारका माई में जो लीला कर रहे हो, लीलास कर रहे हो, उसको हम देख सकें। क्योंकि जिस प्रकार कैटरैक्ट हो जाता है आंखों के ऊपर, तो उसका लेयर को डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल देता है और एक लेंस डाल देते हैं ताकि हम दुनिया को, संसार को क्लियरली देख सकें। इसी प्रकार हम अपने सतगुरु साईनाथ को ये प्रार्थना करेंगे, बार बार निवेदन करेंगे कि बाबा हमारे हृदय के ऊपर जो एक लेयर है हमारे पापों का, ईगोइज्म का, एंगर, ग्रीड, लस्ट एंड डिजायर, सो मेनी लेयर्स आर देयर, तो प्रार्थना करेंगे कि बाबा हाथ जोड़ के कि प्लीज आप वो हमारी जो 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 लेयर्स है हमको वाइप कर दें और वहां पे एक ऐसी लेंस फिट कर दें, मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे ऐसी लेंस फिट कर दे कि जब हम ये कथाएं पढ़े तो हम आपकी जो हुआ था 1918 से पहले जब हम साक्षात थे शिरडी में, सबसे मिलते थे, वो सभी सीन को हम अपनी अपने मन की आंखों से देख सकें। सो दैट इज अ प्रेयर यू हैव टू मेक। तो ये भी कहें कि बाबा हम आपके बच्चे ही तो है, जैसे भी हैं, कम अच्छे हैं, ज्यादा अच्छे, जैसे भी आप ही के बच्चे हैं और आपकी लीलाओं को अपने मन से देखना चाहते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरनल प्रेयर, अंतःकरण से ये पुकार करें, प्रार्थना करें कि बाबा हमें देखने की क्षमता दो, हम नहीं देख पाते, वी रीड द चैप्टर एंड स्टिल वी डोंट नो व्हाट वी हैव रेड एंड वी आर नॉट एबल टू रिपीट इट और टेल इट टू एनीबडी एल्स। तो ये अगर हम अपनी मन की आंखों से भीतर से देखेंगे तभी ये सभी पॉसिबल है। तो प्लीज टेक मी टू योर वर्ल्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, फ्रॉम दिस मंडेन वर्ल्ड, आई वांट टू कम एट लीस्ट फॉर द वन आवर इन टू योर वर्ल्ड एंड पीप इन टू द लीलास एंड सी द एंड रिजॉइस, आई वांट टू एंजॉय, उनको आनंद में लेना चाहती हूँ और लेना चाहता हूँ, ऐसी एक प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो पॉसिबल है। मुझे अपनी छोटी सी सेविका समझ के मेरी प्रार्थना ये स्वीकार करें, मैं आपके घर दर का भिखारी हूँ बाबा। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रार्थना करेंगे तो बाबा जरूर इसको सुनते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं सुनते, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गुरु का स्पर्श से पहले एक और, ओके, हेमापंड जी स्टार्ट्स द चैप्टर और वो कहते हैं कि गुरु का स्पर्श जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले चैप्टर में, सिक्स्थ चैप्टर में जो फर्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, तो ये मैं कहना चाहूंगी गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होगा, लेट अस डू रिवीजन। लाइक एक गुरु वो होते हैं जो हमें रास्ता, सही रास्ता दिखाते हैं, ये साधना करो तो तुम आध्यात्मिक रास्ते में सही ढंग से चलोगी, शोस अस द वे, गाइड्स अस एंड लीड्स अस टू द प्लेस। और सेकंड जो सतगुरु होते हैं उनसे बढ़कर होते हैं जो हमें भगवान से मिलन करवा देते हैं। सतगुरु कौन होते हैं? जो हमें परमात्मा से टोटली मिलन करवा के उनके दर पे छोड़ देते हैं जाकर के, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। और फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये सतगुरु जिन्होंने हमें परमात्मा के द्वार पे छोड़ा है, वो सतगुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं, तो भगवान को डायरेक्टली उनके आभूषण के सहित नहीं आ सकते, वो तो सतगुरु का रूप लेकर के आते हैं, हमारी उंगली पकड़ के हमारे अपने उनके अपने द्वार पे छोड़कर आते हैं, और फिर बाद में हम ये जानते हैं कि उनमें, भगवान में और सतगुरु में कोई अंतर है ही नहीं। तो इट इज लाइक एज लाइक ए टीचर एंड ए प्रिंसिपल, जैसे एक मास्टर है और फिर वो प्रिंसिपल के रूम में जैसे छोड़ के आता है, तो इनके टेक मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दैट। तो गुरु और सतगुरु में ये यही इनके टीचिंग्स के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सतगुरु शब्द जब हम अपने मुख से निकालते हैं, तुरंत सतगुरु साईनाथ की याद आ जाती है, एक फ्रेशनेस ऑन फीलिंग ऑफ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेशनेस इज देयर एवरीबॉडी, जो बाबा का भक्त है तो उसको तो ये फीलिंग्स होती होगी कि सतगुरु नाम सुनते ही श्रद्धा जागृत होगी, यू नो द ब्यूटीफुल, लाइक कहते हैं समुद्र की लहरें जैसे उमड़ती हैं, ऐसे प्रेम की लहरें हमारे अंदर उमड़ती हैं सतगुरु द वर्ड सुनकर ही। और वो ऐसा फ्रेश वर्ड है, जिस प्रकार कहूँ कि सुबह की जो मॉर्निंग आप वॉकिंग करने जाएं तो वहां पर जो पत्ते, हरे हरे पत्ते होते हैं, उसके ऊपर ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं,
It is like almost as fresh, the name of Satguru is as fresh as a dewdrop on a fresh green leaf. और dewdrop को अपने हाथ में पकड़ के देखें, ध्यान से देखते रहें, उसको ऐसे लगेगा कि पूरा समुद्र इसके अंदर ही तो समाया हुआ है, हमारे सतगुरु के भीतर ही तो पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड बाबा के अंदर ही तो समाया हुआ है। ये कोई ऑर्डिनरी ड्यू ड्रॉप नहीं हम हाथ में लेके घूम रहे हैं, ये बाबा का साईं सच्चरित्र जो है, इट इज एज फ्रेश एज द वाटर्स ऑफ ऑल द होली रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इतना फ्रेश वाटर, इतना गंगा जल, ये पूरी साईं सच्चरित्र गंगा जल से कम नहीं है, गंगा जल है, सात समुद्रों का पानी इसमें है। तो द ड्यू ड्रॉप से कैन कंपेयर सतगुरु टू ए ड्यू ड्रॉप, फ्रेश वाटर, प्रेम भावना जो है वो बहुत जरूरी है। ओके, श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओके, तो हेमापन जी कहते हैं कि जब मेरे सतगुरु साईनाथ ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर के ऊपर रख दिया, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे दुनिया की सारे जहान की दौलत मुझे मिल गई है। उनके अंदर इतना, उनका मन इतना भावुक हो गया, उनके आंखों में से अश्रु धारा बहने लगी, तो उनका मन मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। He was so into bliss, into ecstasy that his eyes were overwhelmed and tears began to flow stopless. These non-stop tears were coming out of his eyes. प्रेम और श्रद्धा के आंसू बहुत कीमती होते हैं। तो हेमापंड जी की आंखों से मन में आनंद की लहरें बह रही थी बाबा के स्पर्श करने से, और आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, और इतने प्रसन्न हो गए क्योंकि बाबा ने जब द्वारका माई की जो दीवार है उसके पास खड़े होकर के बाबा अपने भक्तों को उदी दिया करते थे, हैंडफुल ऑफ उदी यूज्ड टू सेंड, यूज्ड टू सिंग वन भजन आल्सो, यू नो, रमते राम आओ जी उदिया की गुनिया ले जाओ जी ऐसे कहा करते थे। ओ भाव, टेक दिस एंड गो टू योर हाउस एंड डू योर ड्यूटी, डू योर वर्क, ऐसे बहुत प्यार करते थे बाबा अपने भक्तों से। तो हेमापंत जी के माथे में जैसे उदी लगाई और अपना हाथ बाबा ने उनके सर के ऊपर रखा, तो उनको लगा कि मैं तो इट वाज लाइक एस ही वाज कनेक्टेड टू द कॉस्मोस, द एनर्जी ऑफ कॉस्मोस। इट इज बाबा टचिंग द हैंड, बाबास हैंड, सी वी हैव नॉट सीन बाबास हैंड बट वी कैन इमेजिन इट टू बी वेरी सॉफ्ट एंड पिंक एंड हिज फिंगर्स वेर लॉन्ग। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि बाबा के कर कमल कितने पवित्र, कितने पावन, कितने कोमल रहे होंगे भक्तों। दिस ऑल यू नीड टू इमेजिन, डोंट हरी अप टू फिनिश द चैप्टर, बट गेट इनटू दिस ब्लिस ऑफ फीलिंग बाबास हैंड ऑन योर हेड। इवन इफ इट टेक्स 10 डेज इट इज ओके, 1 month ऑल्सो इट इज वर्थ स्टेइंग, स्टॉपिंग, पॉजिंग इन दैट लाइन व्हेन हेमापन जी सेज बाबा ने अपना आशीर्वाद मुझे हाथ छुआ, इट इज ऑलमोस्ट लाइक शक्तिपात हो रहा है। The cosmic energy from the Brahmand is, he was touching, this is like, it's like a bridge, like I would like to say, unseen bridge between a super soul and soul. So, usko hum yuhi padke nahi aage bad sakte. You can read this line and get into meditation almost. Ekdam samadhi mein, ekdam meditation mein, dhyan mein chale jayen ki main idhar baithi hoon aur baba ka itna aashirwad baras haath mere upar wo sparsh kar rahe hain. मुझे स्पर्श, आई डोंट इवन डिजर्व दिस, ये तो बॉडी पूरी पापों की पोटली है और मेरे परमात्मा शुद्धता का स्वरूप है, चैतन्य धन स्वरूप है, आनंद की मूर्ति है, इतने प्यारे मेरे सदगुरु साईनाथ सर्वशक्तिमान परमात्मा मुझ जैसे तुच्छ को छू रहे हैं। व्हेन यू रीड दिस लाइन इटसेल्फ यू डोंट इवन फील लाइक डूइंग एनीथिंग एल्स, वी वांट टू बी देयर इन दैट कंडीशन इटसेल्फ। आप सोचोगे कि मैं इसी अवस्था में पूरी जिंदगी व्यतीत कर दूंगी, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी भावुक होकर के हेमापन जी ये लिखते हैं कि इवन बिफोर, देखिए जब टच के बारे में ये कहूं कि जब बच्चा पैदा होता है तो अमंग ऑल द फाइव सेंसेस द फर्स्ट सेंस इट कैन फील इज द सेंस ऑफ टच ऑफ इट्स मदर। जब माँ अपने बच्चे को छूती है तो उसको पहचानता है, अगर आंखें बंद करके भी उसकी माँ उसको छू लेती है तो वो पहचानता है। ऐसे ही हमें अपने परमात्मा का अगर स्पर्श अपनी मेडिटेशन में फील कर लें तो वो कभी हम भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं वो भूल सकते। जिस प्रकार बच्चा अपनी माँ के स्पर्श को नहीं भूलता है, ऐसे हम भी अपने बाबा के स्पर्श को कभी भूलेंगे नहीं। इसको एकदम पढ़ के आगे ना बढ़े भक्तों, इसको पढ़ के बहुत काफी ध्यान से इसको कुछ समय दें इस लाइन को। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। क्योंकि बाबा के हाथ में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि अंधा देखने लग जाता है, लंगड़ा चलने लग जाता है, जो मूर्ख है वो विद्वान बन जाता है,
जो रुके हुए काम सभी बच जाते हैं, जो जॉबलेस है उनको जॉब मिल जाती है, जो अगर किसी के घर में संतान नहीं है तो संतान मिल जाती है, अगर कोई गरीब है बीमार है वो तड़प रहा है तो बाबा के स्पर्श के साथ उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो इट इज हिज होली हैंड्स ऑलमोस्ट लाइक टचिंग द कॉस्मिक एनर्जी, इतनी पावरफुल बाबा का जो हैंड है, सच मैग्निफिशेंट पावर्स इन हिज हैंड वी नीड टू नो। ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। और स्पर्श के बाद क्या होता है, हम सोहम के काबिल हो जाते हैं। सोहम इज मुझ में और मेरे परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ओके, यू इज मी इज यू, तुम मैं तुम, कोई अंतर नहीं, तू और नहीं मैं और नहीं, जैसे बाबा हम इतने क्लोज चले जाते हैं बाबा के, सोहम का आभास होने लग जाता है हमें। हमें सोहम का आभास होना बहुत जरूरी है। ये पहला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हेमापन जी हमें ये बातें सिखलाते हैं सत्संग से, और जो जो पैराग्राफ इतना महत्वपूर्ण है सभी भक्तों के लिए कि अगर सोहम की स्थिति में हम चले जाते हैं तो इससे बढ़कर और कोई आनंद है ही नहीं इस दुनिया में। तो जहाँ पे हमें लगता है कि मुझ में साई, साई में मैं, ये तो तन में साई, मन में साई, अखियों में साई, मुख में साई, मन साई देख, मन से सुन, ऑल दैट इज देयर, साई गीता के ये मंत्र हैं। ओके, तो ये सभी कुछ हमें अनुभव करना होगा। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। और पारस मणि, जैसे पारस लोहे को छूता है तो सोना बन जाता है, ऐसे बाबा के हाथ अगर हम छूएं तो हम भी सोना, सोना मीन्स परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। लाइक कहते हैं ना, रिफाइन भक्ति रिफाइंस यू, यू बिकम ए केपेबल पर्सन टू लिव ए ब्यूटिफुल लाइफ। ओके, और बाबा ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा, मेरे हृदय में आनंद की लहरें आने लगी और नेत्रों से अश्रु धारा। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन। और कहते हैं जब धार्मिक ग्रंथ में पढ़ने बैठता तो बाबा कभी कृष्ण भगवान बन जाते और कभी रामचंद्र जी बन के, मैं किसी के साथ बाबा की बातें करता हूँ मैं कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन जब मैं लिखने बैठता तो बाबा मुझे लिखाते जाते लिखाते जाते। ओके, तो इस चैप्टर का हर एक पन्ना पुण्य प्रदान करने वाला है। एक एक पन्ना इसमें जो है, सभी एक एक लाइन मैं कहूँ शब्द रूपी अवतार है परमात्मा सतगुरु नाथ का, इसमें इसको कोई ओमिट नहीं कर सकता। एक एक लाइन इसको पढ़े मंत्र जैसे है, ब्रह्म वाक्य सम्मान है, पुण्य प्रदान करने वाले हैं। इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए सिन कटर, हमारे कष्टों को नष्ट कर देने वाला ये जो पैराग्राफ हमने अभी पढ़ा है। तो हिडन विद इन द वर्ड्स, दैट व्हाट आई वांट टू से इज ईच एंड एवरी वर्ड हैज सम मीनिंग हिडन inside it, so you need to take it. Okay, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। वी शुड लाइक गो नेक्स्ट टू, और फिर ये भी कहना चाहूंगी कि सच्चा भक्त वही होता है जो गुरु को अपने विचारों में ही रखता है, भावुक होकर के अपने आंखों में उनको बसा लेता है। Okay, so this is always there. Okay, we shall now go to the next line. बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो when सतगुरु is a captain of my ship to sail across a worldly ocean, I'm sure I'll be safe and sure that I can never drown. Okay, जब हमें इस बात का विश्वास हो जाए कि हमारे जीवन की नैया को चलाने वाले सतगुरु साईनाथ भी तो हैं, हमारे जीवन की नैया भी, हमारे जीवन का जो भी हम करते हैं वो सभी बाबा ही तो कराने वाले हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझ लेना चाहिए कि हम जो कहते हैं कि नैया समुद्र में जा रही है, एक बोट जा रही है तो डावाडोल हो रही है, तो कौन हमें बचाने आएगा, कौन हमारी मदद करेगा, अंधेरा भी है, ऊपर से बारिश भी आ रही है, नीचे पानी भी गहरा है, हमें बचाने के लिए कोई नहीं है। जब ऐसी स्थिति हो, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, कंफ्यूजन स्ट्रेस ही नजर आए, तो तब उस समय अगर हम इस बात को याद कर लें कि मेरी नैया को चलाने वाले, द पेयर ऑफ ओर्स आर इन द हैंड्स ऑफ माय सतगुरु, मेरे सतगुरु मेरे खवैये, मेरी नाव के खवैया बन के चला रहे हैं, तो ये कहना इससे कि बाबा हमारे साथ ही हमारी लाइफ की जर्नी में है, हमारे साथ साथ है, कि जो भी हम करते हैं बाबा को सब पता है। अगर हमें कष्ट हो रहा है, हम दुख हो रहा है, तो बाबा भी उसको सहते, बाबा कहते आई टेक योर पेन, व्हेन यू हैप्पी आई एम हैप्पी, व्हेन यू सैड आई एम सैड, इसंट इट। तो इसे हमें इस बातों का ख्याल रहना चाहिए कि हमारे हर पल हर क्षण बाबा हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि द बोट कैन नॉट मूव विदाउट द कैप्टन, कैप्टन को उसके, क्योंकि बाबा समुद्र के मालिक हैं, पूरे सात समुद्रों के मालिक, उनको पता है कहाँ तूफान आता है, कहाँ कौन सी जगह सेफ है, तो हमें सेफली एक जगह से समुद्र को, जहाज को चला करके वो हमारी डेस्टिनेशन पे हमें पहुंचा देते हैं, अगर हमें अपने गुरु के ऊपर पूरा भरोसा है भक्तों।
देखिए, अगर हम ट्रैवल करते हैं बाय एयर और बाय ट्रेन, बस, इवन बाय टैक्सी और समथिंग, वी डोंट आस्क फॉर द प्रोफाइल बायोडाटा, आई मीन द ऑफ द ड्राइवर. हमें उसके कोई परीक्षा लेकर के, कोई इंटरव्यू लेकर के नहीं टैक्सी में या प्लेन में या ट्रेन में बैठते. ड्राइवर हमें पता ही नहीं होता कौन है, कौन पायलट है, कौन बस ड्राइवर है, ट्रेन ड्राइवर कौन, हमें नहीं पता होता. हम एक विश्वास के साथ टिकट खरीदते हैं, बैठते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं. लेकिन लाइफ की जो जर्नी है उसमें जो हम अपने बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारी नाव का ड्राइवर हूं, मैं आई एम द हेल्म्समैन ऑफ योर शिप, आई एम द कैप्टन ऑफ योर शिप, उस समय बाबा सिग्नेचर के साथ एकदम पक्का अश्योरेंस देते हैं कि आई एम ड्राइविंग योर बोट, व्हाई डू यू फियर. फिर भी हम डावाडोल होकर, भयभीत होकर के अपना विश्वास को तोड़ देते हैं. क्यों भक्तों, क्यों हम अपना विश्वास तोड़ करके, भयभीत होकर के, नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है, हम इतना उल्टा पुल्टा सोचने लग जाते हैं. इसका मतलब है कि हमें विश्वास नहीं है. बाबा कहते हैं, मैं हेमापंची ने बहुत क्लियरली लिखा है कि बाबा ही हमारी नैया को चलाने वाले हैं. तो अगर सतगुरु चलाने वाले हैं, पर ब्रह्म परमात्मा, साई ब्रह्मा, साई विष्णु, साई महेश्वर ही चलाने वाले हैं, तो हमें किस बात का भय, Why do we fear? एकदम उनको, उनके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि उनको पता है. लेकिन एक बात यहाँ पे और भी अप्लाई करती है कि हमें अपनी नैया को जो बांध के रखी हुई है उसको निकालना पड़ेगा. यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी के साथ रिलेट करके बात समझ आ जाएगी जो बड़े आराम से. एक गांव में तीन व्यक्ति थे जो मदिरा पीने के लिए, शराब पीने के लिए दूसरे गाँव में जाया करते कि एक नदी को क्रॉस करके. तो एक बार वहां पीते पीते उनको बहुत रात हो गई, अंधेरा हो गया, और वापस जब आना था बोट से, उनको वापस अपने गांव आना था. तो उस तरफ बिफोर दे स्टार्टेड, दे व्हेन दे अबाउट टू सिट इन द बोट, दे थॉट दैट कि एक व्यक्ति बोट को चलाएगा, जो ओर्स है उसको चलाता रहेगा, और दूसरे दो लोग वहां पे बैठे रहेंगे. तो तीनों लोग बोट में बैठ गए और एक व्यक्ति बोट को चलाता रहा, तीन चार घंटे चलाता रहा. तो सुबह भी हो गई, तो सुबह उठ के उन्होंने देखा कि वो वहां के वहां ही है, वो ही गांव में अभी तक है. दे डिड नॉट क्रॉस द रिवर एंड कम टू देयर विलेज, दे वेर दैट प्लेस इज बिकॉज दे हैड फॉरगॉटन टू अनटाई द रोप ऑफ द बोट. हम लोग भी ऐसे ही, वी आर फॉरगेटिंग टू अनटाई द रोप ऑफ आवर अटैचमेंट्स टू दिस वर्ल्ड. हमारे डिजायर्स के साथ हमें उसको जो गांठ बांध के हम रखी हुई है, ऑल द एंगर है, डिजायर है, हम इतनी प्रवृत्तियां हैं, आसक्तियां हैं, इतनी चाहते हैं, अननेसेसरी यू नो टेंशन हम ले लेते हैं, वो सभी से अगर हम अपना बंधन को छोड़ देंगे तभी हम इस तरफ आ पाएंगे, और तभी बाबा भी इजिली उस बोट को चला पाएंगे. ओके, बाबा को ईजी करके देना है, हमें ईजी करके तभी देंगे. बाबा कहते हैं वो झंझटों को छोड़ो, ये आज है कल नहीं है. हमारे माता पिता, ये जो ये नाटक जो है, ये सभी इसी संसार का है. एक्चुअल संबंध तो परमात्मा के साथ है, एक्चुअल प्रबंध तो हमारा परमात्मा के साथ, उसके साथ ही. आई एम नॉट टेलिंग यू हैव टू कि ड्यूटीज को छोड़ो, ड्यूटीज करते रहो, लेकिन साथ ही साथ परमात्मा का नाम भी अति इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दैट वी शुड नॉट लीव. तो अपनी बोट की रोप को अनटाई करें और लेट बाबा टू ड्राइव योर boat very easily. He will take us to our destination. He make us cross his worldly ocean and make us to reach the destination. Okay, bolo Shri Sachidananda Sadhguru Sainath Maharaj ki jay. Aur ye sparsh ke baare mein maine keh diya hai. Okay, then next we have to Shri Sachidananda Sadhguru Sainath Maharaj ki. And see this, what Hemapanji has written before the Kathas is two pages. It's quite lengthy. So I've just taken some points out of it. And only that I'll be discussing. So humne discuss kiya, Baba ka Ashirwad bhara haath, aur Udi humne discuss kiya. Dekhi, Udi to itni important hai. It is a miraculous medicine. Baba ne jo Udi lagate the, it is a miraculous medicine which stands above all the medicines, all the medical compounds of the world. Usse badhkar aur koi medicine hai hi nahi. Main kehna chahungi ki aaj ke zamane mein itni bimariyan hain, lekin bimariyan aane se pehle Baba ne वो मेडिसिन बनाकर के हमें दे दी है. केवल उसे हम पहचानना है, उसको मानना है. हमें पता तो है, हम जानते हैं कि उदी है, लेकिन उसको डीपली पहचानते नहीं है, मानते नहीं है. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. अगर हम डेली उदी अपने माथे पे लगाएं और कह दें रमता राम आओ जी उदिया की गुड़िया ले जाओ, बाबा ही लगा रहे हैं मेरे माथे के ऊपर, तो कोई कष्ट नहीं आएगी. इट ऑलमोस्ट लाइक ए ऑरा विच इज बिल्ड अराउंड अस, ऑरा ऑफ पॉजिटिविटी हमारे इर्द गिर्द, एक ऐसा सुरक्षित चक्र बन जाता है कि कोई बीमारी, कोई डेडली डिसीज, तो क्या कोई नेगेटिव एनर्जी हमें छू भी नहीं पाएगी.
सो वी डिस्कस्ड ऑल दैट एंड आशीर्वाद भरा हाथ एंड बोट के बारे में हमने सब डिस्कस किया. और फिर हेमापन जी ये भी कहते हैं कर्म ज्ञान योग भक्ति से हम परमात्मा को पा सकते हैं. अनेक अनेक साधना है, विच एवर यू फील इज कम्फर्टेबल यू कैन अप्लाई दैट इन योर लाइफ. तो भक्ति करने से हमें परमात्मा बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि भक्ति से जैसे हम भजन गाते हैं तो भजन कीर्तन करते हैं तो दैट इज द ईजिएस्ट वे टू गेट कनेक्टेड टू गॉड. अगर ज्ञान भक्ति करें तो ज्ञान भी अपने आप आ ही जाता है. तो एक इन चारों में से अगर एक कर लें, भक्ति करें तो कर्म योग ज्ञान सभी पीछे पीछे अपने आप ही आ जाता है. केवल सायराम सायराम कहने की जरूरत है और कुछ भी जरूरत है ही नहीं हमें. किसी भक्ति इतनी कठिन नहीं है जितनी हम इसको ले लेते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट वील गेट इन टू द कथा. बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय. ओके 1897 की ये बात है. शिरडी में गोपाल राव गुंड जो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे कोपर गांव में, वो इंस्पेक्टर थे. इनकी तीन पत्नियां थी लेकिन एक भी बच्चा नहीं था. नो इश्यू, थ्री वाइव्स वर देयर बट नो इश्यू. एंड ही वाज ऑलवेज यू नो वरीड कि मुझे एक संतान होनी चाहिए. तो जब वो बाबा को मिलने गए शिरडी, प्रणाम किया, प्रार्थना की, तो कुछ ही समय बाद उनके घर में, उनके घर आंगन में रौनक आ गई. दैट मीन्स उनके घर में एक पुत्र तने जन्म लिया. तो ही वॉज वेरी हैप्पी, सो थैंकफुल टू बाबा कि मेरी इतने सालों की आपने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया. तो उसके रिटर्न में कुछ बाबा को देना चाहते थे, बाबा के लिए कुछ करना चाहते थे, कुछ सेवा करना चाहते थे. देखिए हमें यहाँ पे सीख मिलती है कि हम बाबा ने इतना कुछ दिया है, व्हेन यू सिट एंड काउंट द ब्लेसिंग्स इन रिटर्न ही आल्सो हैव टू गिव हिम समथिंग. एनी सेवा यू डू, किसी को कोई एक भजन सुना दे, किसी को अच्छी बात सुना दे, कोई दैट डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंडिंग अपॉन योर द सर्कमस्टेंस सिचुएशंस कैपेबिलिटी जैसी है, लेकिन कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए. तो इनको गोपाल राव गुंड को लगा कि मैं क्यों ना उर्स का मेला, उस टाइम मुस्लिम्स का जो था एक फेस्टिवल, तो उसको यू नो इन हॉनर ऑफ ऑल द मुस्लिम सेंट्स दे यूज्ड टू हैव अ फेयर मेला होता था. तो उन्होंने लगा कि शिरडी में जाकर ये उर्स का मेला मुझे करना चाहिए. तो ही वेंट टू शिरडी. तो वहां जाके शिरडी में उनके कुछ भक्त थे, तात्या कोटे पाटिल, दादा कोटे पाटिल एंड इवन माधोराव देश पांडे श्यामा जी से जाकर बातचीत करी. तो उनको बहुत अच्छा लगा कि यस वी शैल स्टार्ट दिस एंड वी शैल गेट द परमिशन ऑल्सो फ्रॉम द सरकार से परमिशन लेंगे. तो लेटर लिखा तो उन्होंने कुलकर्णी के मना करने से उन्होंने मना भी कर दिया, लेकिन बाबा ने उनको परमिशन दे दी थी. सी जब हमारी लाइफ में परमिशन वहां से आ जाती है तो फिर उसके बाद कोई उसको मना नहीं कर सकता है. सी व्हेन यू आर स्टार्टिंग एनी वर्क, फर्स्ट गेट द परमिशन ऑफ योर सतगुरु साईनाथ. कोई भी कार्य करना, छोटा हो चाहे बड़ा हो, पहले बाबा से पूछ लें. कैसे पूछें? मन में उस बात को लें और साईं सच्चरित्र को रैंडमली ओपन करें एंड रीड इट थरोली विद लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड फोकस ऑन द थिंग एंड ट्राई टू सर्च द आंसर व्हाट बाबा इज ट्राइंग टू गिव यू. हो सकता है वो आंसर आपको मिले ही ना, एक बार में नहीं मिलता है वो. पढ़ने से बार बार उसका मनन करें, वो बाबा मस्ट बी टेलिंग मी दिस, और उनकी कृपा से आपको आंसर मिल भी जाएगा. ऐसे है तो या फिर आप चिट भी डाल सकते हो यस और नो की एंड बाबा विल हेल्प यू. तो बाबा ने तो स्वीकृति दे दी थी, लेकिन उसके बाद दोबारा लेटर लिखने के बाद उनको स्वीकृति मिल गई. लेकिन वन प्रॉब्लम वाज देयर टू सेलिब्रेट द फेयर इन शिरडी कि वहां पे जो शिरडी गांव में केवल दो ही कुएं थे. ओके दिस दो, एक का पानी जो ब्रैकिश हो गया था और एक का सूख गया था. तो बाबा ने अपनी कृपा से अपने कर कमलों से उसमें फूल डाल करके वो जो ब्रैकिश वाटर था उसको स्वीट वाटर बना दिया. बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय. देखिए एक छोटे से पैराग्राफ में दो कृपा आप देख सकते हो. गोपाल राव गुंड के घर में पुत्रतन की प्राप्ति और जो सूखा कुआं था उसमें जल भर गया. कितनी प्रॉस्पेरिटी के साइन है ये कथा. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुने आप. तो जिसके घर में अगर पानी की कमी है, अगर स्कैरसिटी ऑफ वाटर है कहीं भी, तो ये कथा पढ़ने से आपको उपलब्ध हो जाएगा. नो कमी नहीं, कभी होती ही नहीं है. तो जब बाबा ने फूल डाले ही उसमें, बाबा ही वो इतने दिखाते थे वो अपने चमत्कार की, लोग उनके दीवाने यूं ही नहीं बन गए. और देखिए आज की स्थिति क्या है, साइंस संस्थान हैज गिवन यू नो विदाउट इंटरेस्ट 500 crores ऑफ रुपीज टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर मेकिंग बिल्डिंग ए डैम अराउंड द प्लेस. कुछ गांव है वहां पे डैम नीलवाड़ा, नीलवाड़े डैम का वहां पे जो रिवर है देंगे प्रवारा रिवर ताकि आसपास के गांव को पानी की कमी ना आए. देखिए वो शिरडी भी थी जब बाबा ने तेल मांग करके तेल दिए जलाते थे. कल की कथा हमने, वेडनेस्ट की कथा हमने देखा कि बाबा तेल मांग करके दिए जलाते थे और यहाँ पे पानी की कमी है, लेकिन बाबा के वहां रहने से भरपूर एकदम माला माल हो गई शिरडी. ऐसे ही हमारे जीवन में अगर हम स्टिक ऑन टू दिस गुरु एंड कीप ऑन डूइंग हिज पूजा, डेफिनेटली हमारे लाइफ में कोई भी कमी नहीं होगी.
बोलो श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो फिर मेला जो उर्स का मेला था वो मनाना शुरू किया, वो फ्लैग्स वहां चढ़ाना चाहते थे, तो दामू अन्ना एंड नाना साहब निमोणकर, ओके, इनके घर में भी पुत्र तन की प्राप्ति नहीं थी, दामू अन्ना जो दामू अन्ना का सार फ्रॉम अहमदनगर, तो इनको भी बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने एक फ्लैग एंड प्लस नाना साहब निमोणकर जी ने भी, जो जागीरदार थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे, इन्होंने भी एक फ्लैग बाबा को ऑफर किया था, और ये फ्लैग्स का प्रोसेशन पूरी शिरडी में जाता था, कीर्तन करते हुए भजन करते हुए बाबा के फ्लैग्स को, फ्लैग मीन्स साइन ऑफ विक्ट्री, ओके, तो बहुत ही प्रसन्नता के साथ इसका प्रोसेशन चलता था पूरी शिरडी में, आज भी चलता है, तो उस फ्लैग्स को द्वारका माई की कोनों में लगाया करते थे, मन की आंखों से इसको देखे भक्तों, just try to see the beautiful scene, you need to walk along with the procession, procession wo jalus nikalta tha uske sath sath chaliye bhakto, I am one of the person walking along with that, think like that, I am also walking in shirdi ke galiyon mein ghum rahi hu, wo kirtan chal raha hai, dol dhamaka chal raha hai, sabhi band baja baj raha hai, aur baba ki kripa ki varsha wahan pe ho rahi hai, bhakti ke darshan ho rahe hain, guruon ke anand ki varsha ho rahi hai, amrit jal ki varsha ho rahi hai, to jaise hi wo dhwaj wahan pe laga दिए गए, और दूसरी साइड क्या था, मुस्लिम क्या करते थे, थालियों में चंदन घिसा करके, चंदन की अगरबत्ती लेकर के वो भी एक प्रोसेशन निकाला करते थे, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, हिंदूज का ध्वजों का फेस्टिवल जो चल रहा था, और दूसरी साइड मुस्लिम्स का जो लोभान जला करके, फिर बाद में उसको चंदन को द्वारका माई की दीवारों पे और नीम वृक्ष के ऊपर वो लगा दिया करते थे, तो ये पूरी सुगंधित कथा जो बनती है, अगर इसको ध्यान से मेडिटेशन में चला जाए, अगर कोई भाग्यवश बाबा की कृपा से, तो आपको लगेगा कि चंदन की खुशबू यहाँ से आ रही है, लोभान की, बाबा की अखंड धुनी की, उनकी कृपा दृष्टि की खुशबू, यू नो, यू नीड टू फील ऑल दिस, सच ब्यूटीफुल थिंग्स, ओके, फिर राधा कृष्णा माई भी वो उसमें शामिल थी, राधा कृष्णा माई इज अ ग्रेट लेडी, अगर आप ये बुक पढ़ें, समरी हैज गिवन मी, प्रेम रतन, ये राधा कृष्णा माई का इसमें सब कुछ है, इसके उनकी लाइफ के बारे में, उनका एक्चुअल नाम क्या था और वो कैसी आई, वो राधा कृष्णा की एक पित्तल की मूर्ति अपने हाथ में रखती थी, तो राधा कृष्णी बाबा इनको बुलाया करते थे, शी इज अ मदर ऑफ द होल विलेज, आई वुड लाइक टू से, पुरानी शिरडी के गांव की माँ राधा कृष्णा माई थी, बाबा भी इनको माँ कह के पुकारा करते, बहुत प्रेम था इनको, उन्होंने कोई दिखावट के लिए काम नहीं किया, देखिए जब रात को बाबा चावड़ी में सोने जाते थे, दैट टाइम शी यूज्ड टू गेट अप एंड गो एंड वाइट वॉश द द्वारका माई, किसी को दिखाने के लिए, देखिए आजकल क्या है, लोग दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इनके मन में ऐसे था निष्काम भक्ति, टोटली निष्काम, सेल्फलेस, टोटल सेल्फ सरेंडर्ड, एकदम शी वॉज लाइक दैट, चूना पोती, यहाँ पे हमें भी कुछ समय के लिए राधा कृष्णा माई बनकर बाबा की द्वारका माई को, मस्जिद को व्हाइट वॉश करना है, इफ पॉसिबल डिवोटीज यू कैन डू इट, इफ इट इज पॉसिबल, थिंक दैट टुडे नाइट आई हैव टू गो टू द्वारका माई एंड टेक दैट, एक बकेट में मुझे वो चूना लेकर के जाना है, ओके, एंड वाइट उसका ब्रश लेकर के वहां जाना है, और सभी सामान बाहर निकालना है, और फिर मुझे सभी चूना पोतना है, फिर वापस रखना है, फिर बाबा आएंगे, उनके लिए सभी पूरी द्वारका माई को सजाना है, इफ यू कैन डू, देयर इज नथिंग मोर अबव दिस, नथिंग मोर अबव दिस, डिवोटीज, मेक योरसेल्फ, जस्ट टेक, स्टेप योरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ राधा कृष्णा माई एंड सी हाउ मच ब्लिस शी टुक अवे एंड वेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस बॉडी, शी केम द फॉर्म ऑफ दिस बॉडी, एंड क्या नहीं उनको मिल गया होगा भक्तों, क्या नहीं, सो सच ए वंडरफुल लेडी, उनकी एकदम अटूट भक्ति थी बाबा के प्रति, अटूट विश्वास था, और उनके कोई रस, कोई फल मुझे मिले इसका, नेवर शी थॉट कि मुझे इसका कोई फल मिलेगा, जैसे हम सोचते हैं कि ये पढ़ने से मुझे ये मिल जाएगा, यू नो वी आर सो टेक्निकल, वी आर सो, हमें आज मैं ये पढ़ा कल मेरा काम हो गया, प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू, डोंट आस्क फॉर एनीथिंग एट ऑल, आस्क ओनली फॉर बाबा की आप मुझे मिल जाए, बाबा इज साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, बाकी सब कुछ अपने आप पीछे पीछे भागा आता है भक्तों, हमें कुछ एक एक चीज मांगने की नहीं जरूरत, मुझे घर चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, बंगला चाहिए, बहू चाहिए, दामाद चाहिए, जॉब चाहिए, नो, अगर बाबा को एक, इज अ पैकेज ऑफ एवरीथिंग, अगर एक मांग लिया, बाबा को ही मांग लिया, तो अपने पीछे पीछे अपने आप ही वो लेके आएंगे, बाबा जहां है वहां कोई अभाव होता ही नहीं है, तो आई डोंट नो व्हाई वी मे बी, सी वी आस्क ओनली फॉर समथिंग, हु नोज, वी मे बी डिजर्विंग मोर देन दैट, हमने एक, मुझे इस कंपनी में जॉब मिल जाए, प्रार्थना की, इतना संकल्प किया, दिन रात मैंने पारायण किया, ये किया, वो किया, व्रत किया, और मुझे ये मिल जाए, क्या पता इससे बढ़कर और कोई जॉब बाबा ने मेरे लिए या मेरे बेटे बच्चों के लिए रखा होगा, आई आस्क्ड फॉर लिटिल, मे बी ही इज हैविंग मोर देन दैट टू गिव टू मी,
So don't decide all those things. Just forget about all the materialistic things. He will take care of your health. He will take care of your wealth. He will take care of all your feelings inside. But provided you need to have him in your heart. That is more important. ओके तो यहाँ पे राधा कृष्ण माई से हमें ये सभी सीखने को मिलता है. उन्होंने कुछ मांगा नहीं लेकिन अमर हो गया उनका नाम. उनका इवन आफ्टर हर डेथ आफ्टर शी लेफ्ट हर बॉडी इवन टुडे शी इज रिमेंबर्ड एंड शी इज प्रे एंड वी ऑल प्रे एंड विश टू बी लाइक हर इवन फॉर वन आवर इफ यू बिकम राधा कृष्ण माई जन्म सफल. एक घंटे के लिए आप बन सकते हैं तो बनकर देखें कि मैं राधा कृष्ण माई हूँ. मैं अपने बाबा के लिए इतना कुछ कर रही हूँ. बाबा का उत्सव चल रहा है द्वारका माई में और मेरे घर में इतने लोग आ रहे हैं. मैं उनका सम्मान कर रही हूँ. उनको हर चीज प्रोवाइड कर रही हूँ. मिठाइयाँ बन रही हैं. प्रसाद बन रहा है. इट इज लाइक एसो माई सन इज गेटिंग मैरिड. इट कोई किसी को मुझे दिखाना नहीं है. माई डॉटर माई चिल्ड्रन आर गेटिंग मैरिड. हम किसी को दिखा करके काम नहीं करते. दिन रात वो चलता रहता है मुझे ये काम करना है मुझे ये काम करना है. ऐसे अगर हम बाबा के प्रति ऐसे करें तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं है. राधा कृष्ण माई ने ऐसे किया. शी डिड नॉट वॉन्ट किसी का प्रेस नहीं चाहती थी इन रिटर्न कि शाबाशी मुझे मिले मैंने बाबा का काम किया. उसने कभी नहीं चाहा. बस करती गई काम. अपना जैसे गंगा बहती है ऐसी अपनी सेवा उनकी बहती गई बाबा के चरणों में. और उसका रिटर्न उनको यही मिला कि उनका नाम अमर हो गया है. आज हम उनको याद करके अपना ये प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके जैसे बने. हम वो कथा बन गई हैं. कथा बाबा के साथ अटैच हो गई हैं. उनका उनकी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ गई है. भक्तों दीस आर थिंग्स वी नीड टू लर्न फ्रॉम दीस ब्यूटीफुल डिवोटीज ऑफ बाबा. राधा कृष्ण माई इतनी हम्बल थी. ओके एंड शी डिड नॉट हैव एनी ईगो. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ईगो इज अ वेरी डेंजरस वर्ड. इट इज जस्ट जैसे कहूँ कि द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ए डिवोटी. Egoism. अगर जिसके अंदर लेश मात्र भी ईगो है इवन 1% 0.00 छोटी इतनी सी भी अगर egoism है तो बाबा से नो एंट्री फॉर दैट पर्सन इन माय दरबार. एटलीस्ट बाबा की भक्ति ईगो के साथ होती ही नहीं. हो सकता है कि वो अगर हम दिखावे के लिए करें तो दैट मे बी पॉसिबल. बट अगर शुद्ध भक्ति चाहिए तो पूर्णता के साथ हमें ईगोलेस बनना पड़ेगा. अहंकार शून्य होकर अगर आप दिखाते हैं तो टोटली बाबा हमारे भीतर आके बैठ जाते हैं. और ही डज वंडर्स. कोई चमत्कार मैं नहीं कहूंगी. इट इज पॉसिबल. बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय. मन में साईं की छवि है. मुख में बाबा का नाम है. दिस ऑल आई वाज राइटिंग व्हेन आई वाज दिस इज गोइंग थ्रू द चैप्टर. मन में साईं की छवि है. मुख में बाबा का नाम है. दिल में सेवा का भाव है. दिमाग में अनेक अनेक आइडियाज घूम रहे हैं कि बाबा की सेवा कैसे करें. बाबा की सेवा करें तो कैसे करें यही घूमता रहता है. और मेरे देखिए बाबा को अगर हम अपने आप को समर्पित कर दें ना. समर्पित मीन्स वॉट टोटल सरेंडर. अगर हम कर दें तो आई एम श्योर मैं अपनी गारंटी के साथ कहती हूँ कि बाबा हमारा सभी कार्य अपने आप कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे आज कथा है तो आई वाज जस्ट राइटिंग गोइंग थ्रू ऑल दिस एंड सबसे बेस्ट मेरे को कैसे लिखना है ऑल दैट वाज मी. तो ऐसा लगता है कि घर घर के सारे काम अपने आप ही हुए जा रहे हैं. अपने आप हुए जा रहे हैं. तो छोटा सा एग्जांपल जैसे मेरे को फूल आज लेने थे तो आई सेंड द सर्वेंट टू बाय फ्लावर्स बिफोर ही कुड गो ऑन द रोड. जैसे गेट खोला तो वहाँ फूल बेचने वाली एक आ गई. फूल बेचने वाली तो मैंने ही फूल लेकर. तो मेरे को कहा बाबा आपने ही फूल भेज दिए हैं क्योंकि रामचंद्र जी का जन्मदिन. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम टोटल समर्पित हो जाए अपने परमात्मा को तो आज चल कर बाबा कहते मैं तुम्हें घर बैठे बैठे सब कुछ प्रोवाइड करूंगा. You don't have to do anything. Just think of me. केवल मेरा नाम स्मरण करो. इतना आसान और इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं. इतने बड़े बड़े मैं तो ये कहती मैंने अपने आपको समर्पित कर दिया बाबा आपके. और आप ही मेरा जाने घर बार बच्चे परिवार आप ही जाने. आपके ही हैं सब. मैं आपकी आप इनके. That's all in my prayer. Okay. गुरु श्री सत्यानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय. ओके अब हम जल्दी से ही देख लेते हैं कि उर्स मेला जो था वो रामचंद्र जी का जन्मदिन में राम जन्माष्टमी में कैसे वो परिवर्तित हो गया. ये जल्दी से हम देख लेते हैं. 1912 की बात है. ए डिवोटी हैड कम. जिस उर्स मेला के एक दिन पहले बहुत बड़े भक्त कृष्ण राव जोगेश्वर भीष्म उनकी बुक जो है ये आप आई थिंक यू मस्ट बी रीडिंग दिस. इसमें आरतीस है एंड साईनाथ सगुन उपासना. यू नो यू आर हैविंग आई थिंक सो सगुन उपासना इन्होंने लिखी है. तो बहुत बड़े भक्त थे बाबा के. तो शिरडी आकर के रुके वन डे बिफोर द मेला. तो उन्होंने इनके साथ एक और दादा साहेब खापरडे इनकी डायरी भी इनकी डायरी यू नो इज पब्लिश्ड
इन्होंने जो भी समय बाबा के साथ व्यतीत किया सभी इस बुक में है. यू कैन बाई दिस इफ यू वांट टू. I just for my reference, I have it. Somebody gifted this to me. Okay, so you can read this and take the anand of all the leelas. So Khapade ji aur Bhisham Yogeshwar Bhisham Shirdi mein aake ruke aur unke man mein aise prerna aayi. Dekhiye jiska man shuddh hota hai to Parmatma unke man ko prerit kar dete hain. मन शुद्ध हो तो परमात्मा उनको प्रेरित कर देते हैं. तो उनको लगा कि उर्स का मेला रामनवमी के दिन ही बाबा ने डिसाइड करके गोपाल राव गुंड को दिया था. तो उसने इस राम चंद्र जी का जन्मदिन राम जन्म अष्टमी के दिन उर्स मेला होता है, तो क्यों ना हम उनका जन्मदिन भी मनाएं. रामचंद्र जी का जन्मदिन क्यों नहीं हम मना सकते. ऐसा एक शुभ विचार आया उनके मन में. ये शुभ विचार देखिए, परमात्मा की कृपा से ये शुभ विचार आते हैं. अगर मन सात्विक हो, शुद्ध हो, तभी. तो उन्होंने काका महाजनी उस समय यहाँ पे एक और सीन आपको इमेजिन करके आनंद लेना है कि ये योगेश्वर और खापरडे दोनों काका साहब दीक्षित के जो वाड़ा था उनका वरांडा में बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे. अब इस सीन को हमें इमेजिन करना है कि शिरडी की पवित्र हवा, वहां की शुद्ध वातावरण, वहां का जो इतना पवित्र माहौल को वो अपने अंदर भीतर ले रहे थे, तो नेचुरली उनके विचार भी शुद्ध होंगे. अगर हम पोल्यूटेड एयर ब्रीथ करते हैं, पोल्यूटेड माइंड है, थॉट्स भी पोल्यूटेड है, तो ऐसे शुभ विचार नहीं आएंगे. इनका मन भी शुद्ध, मतलब अंदर भी शुद्ध, बाहर भी शुद्ध. तभी इनके मन में ये विचार आया कि हम क्यों ना बाबा का ये रामनवमी का फेस्टिवल क्यों नहीं हम सेलिब्रेट करते. तो उसी समय काका महाजनी बाबा के बहुत बड़े भक्त, वो अपने हाथों में थाली लेकर के बाबा की जो सामग्री लेकर के द्वारका माई की ओर जा रहे थे उनकी पूजा पाठ करने को. तो उनको बुला करके कहते हैं कि दिस इज अ प्लान, व्हाई डोंट वी सेलिब्रेट रामनवमी फेस्टिवल. तो वो बहुत प्रसन्न हुए, उनको बहुत अच्छा लगा ये बात सुन करके. और फिर उनको लगा कि अगर हम रामनवमी फेस्टिवल हमें सेलिब्रेट करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रबंध क्या कर रहे हैं, इंतजाम क्या कर रहे हैं. हमें एक राम चंद्र जी का कीर्तन गाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, यू नो कीर्तन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उनको लगा कि कहाँ से लेकर आए, तो देयर वाज नो पर्सन. तो उस टाइम इन्होंने कहा, द पर्सन वाज रिटन दिस बुक, ओके योगेश्वर भीष्म, इन्होंने एक ऐसी राम आख्या करके एक बुक लिखी है और उसमें रामचंद्र जी का जन्मदिन का एक प्रसंग है. तो कहते हैं आई विल सिंग दैट एंड यू हैव टू डू द हारमोनियम. काका महाजनी को कहा कि तुम हारमोनियम बजाना और मैं ये भजन कीर्तन करूंगा. और राधा कृष्ण माई सोंठ लेकर के आएंगी और सभी लोग वहां झूला पालना भी रखेंगे. तो दे ऑल प्लान्ड इट वेरी ब्यूटीफुली एंड बाबा ऑल्सो एग्रीड. जब बाबा को पूछने गए तो बाबा को तो मालूम था कि क्या चल रहा है, अंतर्यामी बाबा परमात्मा उनको पता ही था. फिर भी उन्होंने पूछ लिया काका महाजनी से क्या, तो वो घबरा गए एकदम, ही वॉज नॉट एबल टू आंसर. देन भीष्म जी ने कहा कि हम रामनवमी का फेस्टिवल द्वारका माई में मनाना चाहते हैं. तो बाबा ने स्वीकृति दे दी. तो नेक्स्ट डे इट्सेल्फ द पीपल आर सो हैप्पी, उनका मन इतना प्रफुल्लित हुआ. कोई आकर के रंग बिरंगे झंडियां लगा रहा है, कोई वहां पे फूल सजा रहा है, और राधा कृष्णा माई ने तो पालना झूला द क्रैडल उसको फ्रेश फ्लावर्स के साथ सजा करके बाबा के पास रख दिया. और फिर वो सोंठ वड़ा प्रसाद भी लेकर के आई. और वहाँ बहुत ही पैसी, हमें इस उत्सव में शामिल होना है. वी आर गोइंग टू सिट इन द द्वारका माई एंड सी दिस. सी इन द स्टार्टिंग वी हैड डन दिस प्रेयर कि बाबा वी डोंट वॉन्ट टू सी, बाबा वी सॉरी वी डोंट वॉन्ट टू हियर और वी डोंट वॉन्ट टू रीड, वी वॉन्ट टू सी. बाबा ने हमें ऐसे एक लेंस दिया था ना, तो अब उस लेंस का इस्तेमाल करें और देखें कि द्वारका माई इज फुल्ली डेकोरेटेड बिकॉज रामनवमी का फेस्टिवल. बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय. रामचंद्र जी का जन्म स्थान जो है अयोध्या, वो अयोध्या चल करके द्वारका माई में शिरडी में आई है. Okay, so now we are able to see Ram Janam here. तो कहते हैं कि जैसे ही भीष्म खड़े हो गए कीर्तन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, और काका महाजनी अपना बाजा चलाने लगी, तो auspicious musical instruments are very important to hear. हमें ये कीर्तन को अपनी मेडिटेशन में सुनना है. ओके दैट्स अ होमवर्क आई एम गिविंग टू ऑल द लिसनर्स कि आज रात को नहीं तो सुबह उठ करके जब मेडिटेशन में बैठे तो ये कीर्तन को सुनने का प्रयास करें कि जो द्वारका माई में बाबा के सामने साक्षात परमात्मा के सामने राम जन्माष्टमी का राम नवमी का ये कीर्तन चल रहा था वहां पे उस समय, तो उसको मुझे सुनना है. तो इट इज पॉसिबल, यू कैन इफ यू हैव दैट मच ऑफ पावर. ओके डिपेंड्स ऑन यू.
तो जैसे वो बाजा उन्होंने बजाना शुरू किया तो बाबा ने उनको बुलाया अपने पास। साईं बाबा ने काका महाजनी को अपने पास बुलाया और कहा, ये क्या चल रहा है, ये पालना के क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा, ये सेलिब्रेशन, रामनवमी फेस्टिवल फेस्टिवल उत्सव को मनाने जा रहे हैं। तो बाबा ने, कृपालु साईं बाबा ने, दो हार निम्बर में से उठा करके एक काका महाजनी के गले में डाल दिया और दूसरा हार उन्होंने भीष्म के लिए भेज दिया। अब इस कथा में हम कितनी अद्भुत बात देख रहे हैं भक्तों, भगवान अपने भक्त के गले में हार डाल रहे हैं। अद्भुत है कि नहीं, अद्भुत बात है कि नहीं? यूजुअली भक्त भगवान के गले में हार पहनाते हैं, लेकिन बाबा की अद्भुत लीलाओं में हम देखेंगे कि भगवान अपने भक्त के गले में हार पहना रहे हैं। तो इट्स वंडरफुल। तो उसके बाद उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया और सभी ने बड़े आनंद के साथ जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, राजा राम सीताराम जी के चरणों में प्रणाम, 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 बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री हनुमान की जय। ओके, जो रामचंद्र जी को प्रणाम करके हम आगे बढ़ेंगे। तो जो कीर्तन हो रहा था वहां पे गुलाल की वर्षा सभी ने, आफ्टर द कीर्तन गुलाल, जो रोज पेटल्स का जो होता पाउडर उसका जो सभी जगह फैला रहे थे द सेलिब्रेशन। तो अचानक बाबा की आंख में वो जो रोज पाउडर था बाबा के आंख में चला गया और बाबा क्रोधित हो गए। बाबा इतने क्रोधित हो गए कि उनकी आंखें लाल बड़ी बड़ी हो गई, सभी घबरा गए कि ये क्या हुआ। तो बाबा को क्रोध शांत ना हुआ तो सभी लोग घबरा गए। तो उनको लगा कि अभी करें तो करें क्या, उनको लगा कि बाबा कहीं वो पालना उठाकर ना फेंक दें। तो राजा कृष्ण माई ने तुरंत काका महाजनी से कहा, मेरा पालना निकाल करके बाहर। बाबा ने कहा, नहीं अभी उत्सव और भी अभी बाकी है। तो बाबा का क्रोध शांत हो गया। तो हेमापन जी यहाँ पे लिखते हैं, बाबा का क्रोधित होना बनता है क्योंकि रामचंद्र जी और बाबा में कोई अंतर नहीं है और रामचंद्र जी ने रावण को मारा था, उनका संहार किया था राक्षस का, तो क्रोध आना तो है। तो जैसे हमारे अंदर के राक्षस जो हैं, हमारे अंदर के जो कुविचार हैं, उनको मारने के लिए क्रोध से ही, देखिए रामचंद्र के पास धनुष बाण था और सभी दूसरे भगवानों के पास भी, माता का जो त्रिशूल है, शिव जी का भी त्रिशूल, त्रिशूल राक्षसों को मारने के लिए, ऐसे बाबा के पास कोई ऐसा शस्त्र नहीं है मारने के लिए, केवल और केवल उनकी जो टीचिंग्स है उससे ही हमारे अंदर का जो कुविचार है, कोई ना कोई बुरी बात है उनसे ही मरती है। तो बाबा ने क्रोध से उसको मारा। ओके, तो हमारे भीतर के अंदर सभी बाबा के भक्त वो जानते हैं कि अगर बाबा क्रोधित होते थे तो इसका मतलब वो हमारे अंदर के कुविचारों को ही मारते थे, तो वो बुरा नहीं मानते थे शिरडी के लोग। और फिर उसके बाद बाबा शांत हो गए, पूजा हुई, आरती हुई, सभी ने बड़े आनंद से उत्सव मनाया और गोपाल काला भी मनाया गया। गोपाल काला जो हांडी बांध के उसमें पोहा डाल के, दही डाल के उसको करते हैं जैसे गोपाल कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन। तो आज की कथा में हमने देखा कि बाबा राम बने हैं, कृष्ण बने हैं, राम नवमी सेलिब्रेट हो रही है, कृष्ण जन्माष्टमी हो रही है, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, साई कृष्ण हरि, ऐसे बोलते बोलते कथा को आप पढ़े सुने और बार बार इसको नमन करते रहे। तो राधा कृष्ण माई के घर में हेमा पंजील का ऐसे उत्सव मना रहा, इट वाज लाइक एस इफ की सो बिग फंक्शन, क्योंकि बहुत वॉलंटियरली लोग यूज टू टेक पार्ट इन दिस। उर्स मेले में तो हमने देखा कि बहुत सारी टेम्पररी दुकानें भी शिरडी में बन चुकी थी और इतने लोग बाहर से आते थे, दूसरे गांव से लोग आकर के बाबा को प्रार्थना करते थे। और रामनवमी के फेस्टिवल में भी राधा कृष्णा माई ने ही सभी गेस्ट का देखभाल किया क्योंकि उनको लगता था ये मेरे गेस्ट हैं। देखिए इस कथा का जिस्ट अगर निकालें, वैसे तो बहुत आनंददायक कथा है, इतना आनंद इस कथा में आता है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन इसका जिस्ट अगर निकालने बैठे तो उसका जिस्ट यही निकलता है भक्तों बार बार इसका मनन करने से कि हम भक्तों के अंदर एक ऐसी यूनिटी होनी चाहिए कि हमें परमात्मा का काम करना है, हमें अपनी उसमें ये नहीं लेकर के आनी चाहिए। ओके, द यूनिटी सी, अगर ये भक्त लोग आजकल के क्या है, मैं बड़े निराश होकर के ये कह रही हूं कि ये कंपेयरिंग एंड हैविंग कंपटीशन बिटवीन द डिवोटीज इटसेल्फ इज नॉट अप्रिशिएटेड। वी नीड टू हैव टोटल एकदम सेल्फलेस होकर के,
हमें, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। इस कथा में देखिए 12 लोग हैं जो सेल्फलेसली सेल्फ सरेंडर उन्होंने कर दिया, टोटली बाबा को अपना अपनी सेवा अर्पित की। द 12 पीपल आर तात्याकोटे पाटिल, गोपाल राव गुंड, दामू अन्ना, कृष्ण राव जोगेश्वर, काका महाजनी है, राधा कृष्णा माई है, एंड इवन दासकनु महाराज है, अमीर शक्कर जिन्होंने वो सैंडल का प्रोसेशन स्टार्ट किया था अमीर शक्कर ने, और फिर नाना चंदोरकर है, काका दीक्षित हैं, श्यामा जी हैं, ये सभी लोग बाबा के बच्चे जैसे थे। और इन्होंने, इतने बड़े सेवक थे कि इन्होंने सब कुछ अपने लिए कुछ नहीं किया, मुझे महान बनना है, मुझे उससे बड़ा बनना है, ऐसे इनके मन में विचार नहीं थे। टोटल सेल्फ सरेंडर था कि हमें अपने बाबा के लिए ही सब कुछ करना है। दे स्टेड फोकस्ड ऑन द सेवा, देयर फोकस वॉज नॉट एनीथिंग एल्स, कोई ईगो नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई मुझे क्या, मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा, मुझे महान बनना है, मुझे बाबा की सबसे बड़ा डिवोटी बनके दिखाना है, ऐसे नहीं है। वी आर ऑल वन, वी आर ऑल इक्वल, बाबा के अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक, एक यूनिटी ऑफ द डिवोटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई काम कहीं चल रहा है तो यू गो हेल्प देम, हेल्प द पीपल टू डू द सेवा फॉर द लॉर्ड, बिकॉज यू डूइंग इट फॉर बाबा, नॉट फॉर द पर्टिकुलर पर्सन। तभी कहते हैं बोलने वाले का व्यक्तित्व नहीं देखे, उसके अंदर विश्वास देखे जो बाबा के प्रति है, उस विश्वास को मुझे और भी पक्का करना है देख करके। व्यक्ति नहीं देखना चाहिए कि ये कैसे कर रहा है, उसमें मिस्टेक्स अगर ढूंढेंगे तो उसका कोई अंत नहीं है। यू हैव टू सी विद द टोटल श्रद्धा ऑफ बाबा इन योर माइंड। इन्होंने भी ऐसे देखा, ये भक्तों, ये दिस स्टोरी टीचर्स अस टू डू द वर्क ओनली व्हेन यू फोकस। डिटर्मिनेशन इनका इतना स्ट्रांग था कि इन्होंने शिरडी में रामनवमी का फेस्टिवल जो इतने अच्छे ढंग से सेलिब्रेट किया, सजदा भी करूं, शिकवा भी करूं, ये दीवानों का दस्तूर नहीं है। नो कंप्लेंट्स इन बाबा सेवा, डू नॉट कंप्लेंट इन थी बाबा, एवरीथिंग इज ऑल राइट, वी आर हैप्पी टू डू योर सेवा, खुशी से जीना है, इससे यहाँ से ये सीखना चाहिए। ओके, सो दिस कथा एंड्स विद दैट। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओके, इन द नेक्स्ट कथा जो कि मस्जिद की रिपेयर, तो यहाँ पे मस्जिद का रिपेयर नहीं है भक्तों, ये हमारे भाग्य का जो वन सेकेंड आई जस्ट टेक आउट द पेपर ऑन व्हिच आई रोट। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सतगुरु। ओके, आई डोंट नो व्हेयर आई केप्ट द पेपर, बाबा की यही कृपा होगी। ओके, तो मस्जिद का रिपेयर वर्क जो था इसका जो लास्ट, या इसमें देखेंगे कि गोपाल राव गुंड को ही ये विचार आया सबसे पहले, लेकिन इसकी जो सेवा थी नाना साहेब चंदोरकर को, दीक्षित साहेब को दी गई थी, जो क्योंकि मस्जिद इतनी छोटी सी जगह थी तो लोगों को लगा कि इतने लोग बाहर से आ रहे हैं तो क्यों ना इसको हम थोड़ा बड़ा कर दें और इसका जो फर्श था इसको भी बना दें। लेकिन बाबा डिड नॉट गिव द परमिशन, बाबा डिड नॉट लाइक एनी चेंजेस, ही सेड जैसा है, कोई फकीर बाबा, उनको क्या कि कुछ दिखावे को कुछ वो था ही नहीं। लेकिन आजकल के शिरडी में बाबा ने, अगर कोई पूछे कि उस टाइम टूटी फूटी मस्जिद में रहते थे और आजकल महल जैसे भवन में उनका जो है मंदिर है, समाधि मंदिर है, इतना ऑलमोस्ट लाइक ए पैलेस, तो वही उसका यही आंसर है। बाबा ने ये कहा कि जिस प्रकार भावना होती है मेरी भक्त की, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। भावना को यहाँ पे अंडरलाइन करके मैं कहना चाहूँ, भावना को स्वीकार करता हूँ। अगर आप सोने का मुकुट बाबा को चढ़ाएं भावना से तो वो स्वीकार करेंगे, अगर विदाउट भावना दूसरों को दिखाने के लिए चढ़ाए तो वो स्वीकार नहीं होता है। अगर एक फूल, एक पत्ता भी आप बाबा को चढ़ा दें भावना के साथ, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बाबा ने शिरडी में इतना कुछ भव्य जो उनका भवन है वो एक्सेप्ट किया हुआ है। तो जब बाबा अपने फिजिकल फॉर्म में थे, ही डिड नॉट वांट एनी चेंजेस एट ऑल। जैसे उनका वो टाट के टुकड़े पे सोते थे, लेटते थे, बैठते थे, उनका कोई गादी भी नहीं थी। तो इस चैप्टर की जो लास्ट की कथा है, इसमें लिखा कि बाबा का जो टाट का टुकड़ा था उसको निकाल के वहां पे गादी रखती थी बाबा को विराजमान होने के लिए। एंड देन बाबा वेंट टू चावड़ी फॉर स्लीपिंग। एट दैट टाइम पीपल यूज टू डू द रिपेयर। ओके, तो सीमेंट लगाया गया, सब कुछ किया गया। और जब बाबा आए नेक्स्ट डे, उन्होंने देखा तो बाबा बहुत क्रोधित हो गए, आंखें उनकी लाल घूमने लगी और सभी भयभीत हो गए कि ये क्या। अभी आपको हैरानगी होगी कि पिछले स्टोरी में तो हमने देखा कि बाबा का उत्सव मनाया जा रहा है, द्वारका माई तो एकदम सजी हुई है, एक महल की तरह, अयोध्या का महल रामचंद्र जी के महल की तरह सजी हुई है। और सडनली हम देख रहे हैं कि बाबा को गुस्सा आ गया, बाबा ने तात्या की पगड़ी को निकाल के जला दिया, राख कर दिया, और बाबा तो क्रोध होकर के बहुत ही एरोगेंटली बिहेव कर रहे हैं। व्हाई ऑल दैट? तो इसका आंसर ये है कि जैसे बाबा कह रहे हो बेटा, ध्यान से पढ़ो। वहां पे उस कथा में, एक ही चैप्टर, सिक्स चैप्टर में ही, एक था में रामचंद्र जी का जन्म हुआ, तो जन्म का अवतार कार्य क्या था?
राक्षस का संहार करना, राक्षसों का संहार करना, रावण का संहार कर रावण को जलाया था। तो इस चैप्टर में, इस कथा में जो मस्जिद की रिपेयर है उसमें भी बाबा ने वो तात्या की पगड़ी को जलाया है। तो जलाया मीन्स, एक तो इसमें पॉइंट ये मुझे मनन करने से यही लगता है, आपका भी, आपको भी बहुत सारे पॉइंट्स आते होंगे आपके माइंड में, यू कैन राइट एंड शेयर विद मी, बट मुझे जो लगा वो यही कि बाबा ने एक हवन कुंड जैसे वहां पे, एक खड्डे में उन्होंने पगड़ी को डालकर जला दिया, एक कॉइन भी डाला। तो इसका यही मतलब कि बाबा जानते थे कि फ्यूचर में ये पवित्र भूमि जो है, द्वारका माई की पावन भूमि है, यहाँ पे आने से, प्रार्थना करने से ऐसे होगा कि जैसे हम कोई कुंड में, हवन कुंड में प्रार्थना करने का पुण्य हमें मिलता है, हवन करने का पुण्य हमें जिस प्रकार प्राप्त होता है, वही पुण्य हमें द्वारका में जाकर हमें प्राप्त होता है। एक एक बात कहना चाह रहे होंगे। और दूसरी बात ये कि तात्या मीन्स इट रिप्रेजेंट एवरी वन, ऑल ऑफ अस, हमारे में सभी में पाप हैं ऑलरेडी, तभी हम मनुष्य का जन्म हुआ है कि पापों को हम सुधार सके, कर्मों को सुधार सके। तो बाबा यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारा सर जमीन पार्ट ऑफ द बॉडी, और हमारे सर के अंदर ही सभी कुछ है, मत्सरिया अहंकार है, मोह है, ममता है, और इतना और कुछ कुप्रवृत्तियां हैं, इल थॉट्स है, नेगेटिविटी है, इन सभी को निकाल करके बाबा ने जलाकर राख कर दिया, और एक नए विचार और बाबा ने अपनी तरफ से डाल करके हमें नया जीवन अर्पण किया है। तो ये बाबा की तरफ से हमें जो नया जीवन मिल गया है, दैट इज अ सेकंड पॉइंट। और एक थर्ड पॉइंट में एक और कहना चाहूंगी कि बाबा ने इस कथा में जो मस्जिद की रिपेयर नहीं हुई है, यहाँ पे हमारी तकदीरों की जो फटी हुई तकदीरें हैं, मुरादे हमारी जो है, जो हमारी डेस्टिनीज विचार क्रैक्ड, ब्रोकन डेस्टनीज, वी आर रोमिंग विद ब्रोकन डेस्टनी, हमारे भाग्य में कुछ नहीं है, ये केवल उनकी कृपा है। बाबा देखिए, आप एक सुविधा का लेना, अदर बुक एड कि बाबा सुविधा का लेकर अपना कुर्ता के बस या करते थे, उसका मतलब ये है कि बाबा हमारी फटी हुई तकदीरों को सिलते हैं। उनकी शरण में जाने से बाबा हमारी जो ब्रोकन डेस्टिनी है, जो द ब्रोकन फर्श ऑफ द्वारका माई, जो पक्का फर्श कर दिया था, तो हमारी, हमारे भाग्य को बाबा बना रहे हैं। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई रिटन वेरी ब्यूटिफुल पोएम, if you can wait, पता नहीं वो पेपर कहाँ रख दिया है। Yeah, I got this, आपके भाग्य से। और जो 10 बातें जो हमारे, मैंने कहा ना कि हमारे सर से, जैसे रावण का 10 सर थे, उसको रामचंद्र जी ने उसको जला दिया था, ऐसे सर काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, स्वार्थ, अन्याय, अमानवता, अहंकार, ये 10 चीजें जो है हमारे सर पे होती हैं, और पगड़ी को उसको निकाल के फेंकना मतलब ये सभी बाबा ने हमारे सर से निकाल करके अपने शुद्ध विचारों से भर दिया है। और नई पगड़ी थी, बाबा ने उसको उसके बाद भी ये किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाबा का बिहेवियर सडनली चेंज हो गया। बात उसके बाद एक गोल्डन पगड़ी, जैसे कहूँ कि एम्ब्रॉयडरी भरी, इतनी सुंदर पगड़ी बाबा ने तात्या के ऊपर अपने हाथों से उसको लाई। इट इज लाइक ऐसे, बाबा इज प्लेसिंग द क्राउन ऑफ सक्सेस ऑन द हेड ऑफ हिज डिवोटीज। बाबा ने उसको बिठा करके, तात्या को बिठा करके एक इतनी सुंदर पगड़ी उनके सर के ऊपर रखी। इसका मतलब क्या कि बाबा अपने भक्तों के सर के ऊपर, He makes them to wear crown of success, prosperity का एक इतना बड़ा शुभ, क्या जैसे राज तिलक लगा रहे हो, जैसे पगड़ी हमारे सर के ऊपर बांध रहे हो, इसलिए इतना सुंदर दृश्य है। इसको इमेजिन करें, गो, यू कैन गेट इनटू तात्यास फॉर्म एंड थिंक दैट बाबा मेरे सर के ऊपर एक पगड़ी जैसे बांध रहे हैं। अगर ये पॉसिबल है तो धन्य भाग हमारे, ऐसे ऐसी हमें इमेजिनेशन में सब कुछ पॉसिबल है। ओके, और फिर ये भी मैंने लिखा कि उनकी कृपा से, आई डोंट शुड नॉट से द वर्ड आई बिकॉज इट्स ऑल बाबास ब्लेसिंग्स। तो कहते हैं कि जैसे कपड़े जब मैले हो जाते हैं, धोने के लायक भी नहीं रहते, हमारे पाप इतने बढ़ गए हैं कि वो धोने के लायक भी नहीं है, तो उसको निकाल करके जला दो, कपड़े जला के दोबारा नए कपड़े डालते हैं। वो कपड़े धोने से भी वो निखरेंगे नहीं, कोई भी डिटर्जेंट लगा लो, कोई ऐसे भी सोप वाटर, एनी सोप ही अप्लाई, वो मैले मैले ही रहेंगे, ठीक, वो सुधरते नहीं है, हम उसको धो भी नहीं सकते, उसको वो साफ हो ही नहीं सकते। ऐसा मन जिसका है उसको भी बाबा ने क्या उसके उसका जैसे कहते हैं कपड़े को निकाल के जला दिया और नए वस्त्र धारण, ये गुरु की कृपा से हमें नए वस्त्र मिले। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, राम का जन्म हमने देखा, एंड वन थिंग आई हैव रिटन, मुक्ति का मुकुट, दरारे माथे पे जो पड़ी है, हमारे माथे पे जो दरारे मीन्स क्रैक्स, ओके, दरारे माथे पे जो पड़ी है, जीवन का भार उठाते उठाते
हमारा जीवन का भार, जीवन में इतने कष्ट आए, इतनी बीमारियां आई, इतने टेंशन आए कि हमारे माथे पे वो दरारें पड़ गई हैं। मरम्मत मुकद्दर की कर दो हे मौला, मरम्मत कर दो मीन्स रिपेयर, रिपेयर कर दो, मरम्मत मुकद्दर की, मरम्मत मुकद्दर की, मुकद्दर की कर दो हे मौला, हे साईं मेरे मुकद्दर की जो आप मरम्मत करो, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, तेरे दर पे ही मैं झुका हूँ, यहाँ से ही बना हूँ, इधर ही मिट जाऊंगा बाबा, इसके अलावा मुझे और कुछ आता ही नहीं है। अर्जियां सारे चेहरे पे लिख कर लाया हूँ, अर्जियां मीन्स द प्रेयर्स, अपने चेहरे पे लिख कर लाया हूँ, मैं क्या मांगू, खुद ही पढ़ लो ना बाबा, आपसे मैं क्या मांगू, आप खुद ही पढ़ सकते हो, अर्जियां अपने चेहरे पे लेके आया हूँ। मरम्मत मस्जिद की नहीं करने की जरूरत थी, मरम्मत हमारे मुकद्दर की करने की जरूरत थी, साईं ने की, जहां जहां दरारें थी ये बाबा ने वहां वहां आकर के हमारी मरम्मत कर दी है, और नया नसीब उसके बदले में हमें जो मिल गया है बाबा की कृपा से, नया नसीब हमें मिल गया है, अपने भक्त को बाबा ने नया नसीब जो दे दिया है, तेरे नसीब में देखिए मैं अपनी तरफ से आपको ये कह रही हूं, अगर हमारे नसीब में कुछ नहीं है तो ये जान ले बंदे, नसीब बनाने वाला तेरे दर पे आके खड़ा है। ओके, मेरे नसीब में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मेरी नसीब बनाने वाला मेरे दर पे आकर खड़ा है, मांग लो जो चाहिए, जो चाहिए मांग लो, बाबा बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, जो भी आप चाहते हो आप उनसे मांग सकते हो। ओके, सो दीस आर द थ्री पॉइंट्स रिलेटेड टू द लास्ट स्टोरी, दैट इज यज्ञ शिरडी का, जो द्वारका माई में बाबा ने आग लगा दी, इट वॉज लाइक एस अ ब्लूइंग यज्ञ, और फिर हमारे पापों की पगड़ी निकाल करके बाबा ने नए विचारों से हमें भर दिया, और हमारे मुकद्दर की मरम्मत बाबा ने कर दी, नसीब उन्हीं से मांगे, जो भी है हम उन्हीं से मांगे। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु सैनाथ महाराज की जय। तो इसके साथ ही चैप्टर नंबर 6 जो है कंप्लीट हो रहा है। अगर किसी को